मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के माहिम रेलवे स्टेशन पर 24 मई को बोरे में एक महिला की लाश मिली थी। तीन बोरियों में लिपटे महिला की लाश पर किसी नुकीली चीज से वार के निशान थे, मगर मुंबई सेंट्रल जीआरपी ने कुछ घंटों के भीतर ही केस को सॉल्व कर लिया और रेलवे ट्रैक पर महिला का शव फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम विकास है, जिसकी उम्र 21 साल है। वहीं मृतका का नाम सारिका बताया जा रहा है, जो गोरेगांव ईस्ट के सैटेलाइट टावर हाउसिंग सोसाइटी में हाउसकीपिंग का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक हत्या करने की दो वजह बताई जा रही हैं। आरोपी से पूछताछ के बाद पता चला है कि सारिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके साथ ही उसने विकास से कुछ रुपए लिए थे, जिन्हें वो वापस नहीं लौटा रही थी। इस वजह से उसने गुस्से में आकर सोसाइटी के बाथरूम में सारिका की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए विकास ने लाश को बोरे में भर दिया। इसके बाद वो ऑटो रिक्शा करके गोरेगांव रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से चर्चगेट जाने वाली लोकल ट्रेन के डब्बे में बैठा और माहिम रेलवे स्टेशन के नज़दीक शव को फेंक दिया। रेलवे पुलिस को इस मामले में उसी बोरी से सुराग मिला है जिसमें महिला का शव बरामद हुआ था। बोरी पर गोरेगांव इलाके की एक कंपनी का नाम लिखा था। पुलिस उस कंपनी के पते पर पहुंची। वहां जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वहां के पुलिस थाने में सारिका के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने उसके पति से पूछताछ की तो पता चला कि वो सोमवार को सुबह करीब 8 बजे काम पर निकली थी, उसके बाद वो वापस नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज खंगाला और आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी विकास को मुंबई के दिंडोसी पुलिस को सौंप दिया गया है, क्योंकि हत्या की वारदात इसी इलाके के पुलिस स्टेशन के हद में हुई थी। इस पूरे मामले की जानकारी डीसीपी संदीप भाकरे ने दी है, आपको सुनाते हैं। बॉम्बे सेंट्रल पुलिस स्टेशन को खबर मिली कि माहिम और माटुंगा के बीच में कुछ तो संशयित गनी बैग में कुछ तो पड़ा है। हमारे एमसीटीपी आए श्री केदारी साहब और एलसीबी के पी आए शेख साहब, ये वहाँ पे स्पॉट पे गए अपनी डिटेक्शन की टीम के साथ। वहाँ पे जाने पे पता चला कि अंदर एक 30 साल की महिला की मृतदेह है, तो पोस्टमार्टम करने लेके गए, इंक्वेस्ट किया तो पता चला कि ये 30 साल की औरत, जिसका नाम ग्राम कुछ पता नहीं, उसको पेट में 2-4 छुरे भूके गए और उसका गला काटा गया है। ये करने के बाद सबसे पहला चैलेंज पुलिस के पास में था कि इस महिला की आइडेंटिटी लगाना। तो इसके लिए हमने जब पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया कि ये महिला ऐसे ऐसे मिली है, तो जो जिस गनी बैग में इस महिला का मृतदेह था, उस गनी बैग में जो कुछ लिखा हुआ था, उससे क्लू लेके हमने गोरेगांव एरिया में हमारा कॉन्सेंट्रेट किया। तो हमें पता चला कि दिंडोशी पुलिस स्टेशन में एक सिमिलर वर्णन की महिला की मिसिंग की तकरार दाखिल है। आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होने के बाद में हमने जब तहकीकात की, हमारे डिटेक्शन ब्रांच MCTPI और आपके LCB के, हमारे LCB के इंस्पेक्टर शेख और उनकी टीम, तो पता चला कि इस महिला का जो इसके साथ काम करने वाला विकास खैरनार करके जो एक व्यक्ति है, उसके साथ में इसकी घनिष्ठता थी और इनके कुछ पैसों को ले दे के भी कुछ चीज़ें इनके बारे में इनके बीच में चल रही थी। तो इस संशय के तौर पे उसको जब हमने इंट्रोगेट किया, तब हमें पता चला कि यही आरोपी है और इसने इस महिला का मर्डर